स्वागत है यीशु मसीह की उपस्थिति में, जहां से आप सेम वापस नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा और तारीफ पूरी तो टेस्टिमनी आपकी चर्च आज। हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाओ, घुटनों के बाहर आओ और बोलो, मैं वायदा करता हूं जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। एक भी वचन ऐसा नहीं होगा जिसे मैं इग्नोर करूंगा। जितनी गवाहियां मैं सुनूंगा, जितना वचन मैं सुनूंगा, मेरी जिंदगी में ये फल लेके आएगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। संहिता आप उसे नोट करेंगे, अपनी कॉपी अपना पेन निकालो, नोट करो। भजन संहिता 50 उसकी 14 और 15 आयत, भजन संहिता 56 उसकी 12 आयत, नीति वचन 7 उसकी 14 आयत, पहला शैमूएल 1 उसकी 11 आयत, योना 2 उसकी 9 आयत, और उसके बाद दूसरा हिस्सा उत्पत्ति 28 उसकी 20 से 22 भी, ये भी इसी में है। इसे एक पार्ट में खोलेंगे हम और दूसरे हिस्से में खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत, प्रेरितों के काम 4 उसकी 33 आयत, लूका 8 उसकी 39 आयत, दूसरा राजा 5 उसकी 1 से 4 आयत, लास्ट वाली 4 आयत एक हिस्से में खोलेंगे, पहले वाली 6 आयत हम एक हिस्से में खोलेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अपने हाथों को उठाऊं, जितना वचन आज मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सकें। जितनी गवाहियां मैं सुनूं मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को सब जन। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बोला था, 4 आयतें उसकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। प्रकाशित वाक्य से, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक भी मृत्यु भी सहली। आगे 4 वचन पढ़ेंगे, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे। बोलो गवाही देते रहे। आगे पढ़ेंगे लूका 8:39, अपने घर को लौट जा यीशु ने कहा, और लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और वो जाकर नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। 4 आयत को पढ़ेंगे, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले गए थे। वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्य वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इसराइली लड़की इस प्रकार गवाही देती है। सुनो मेरी बात, पहली आयत को फिर से पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की, वे मेमने के लहू, बोलो मेमने के लहू, आपकी आवाज है टेंट के पार जानी चाहिए, बोलो मेमने के लहू, और अपनी गवाही के वचन, फिर से बोलो ऊंची आवाज में मेमने के लहू, फिर से बोलो ऊंची आवाज में मेमने के लहू, और अपनी गवाही के वचन,
के कारण वो शैतान के ऊपर जयवंत हुए। फिर से बोलो, मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण वो शैतान के ऊपर जयवंत हुए। आमीन। टेस्टिमनी एक बड़ा हिस्सा है चर्च में। मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर आपको पाप से दूर रहना है तो गवाही दो अपनी। शैतान इसलिए आप पर अटैक के बाद अटैक कर रहा है क्योंकि आप गवाही देने वाले इंसान नहीं है। आपको मालूम परमेश्वर ने क्यों कहा वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान पर जयवंत हुए, मालूम क्यों? आप जब नशा छोड़ते हैं और आप टेस्टिमनी देते हैं अपने साथी को, मैं नशों से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, देख मैं 12 बजे तक नशा नहीं छोड़ पाता था, मेरा सिर घूमता था, लेकिन अब मैं नशे से आजाद हूं। आप अपने रिश्तेदारों को गवाही देते हो, आप अपने कोवर्कर्स को गवाही देते हो, आप अपने स्कूल अपने कॉलेज गवाही देते हो कि अब मैं इस नशे से आजाद हूं। और जब अटैक फिर होता है नशा करने का, जब निराशा आती, जब शैतान फिर से आपको घेरने की अविश्वास के साथ कोशिश करता है और आप फिर से उस नशे में जाना चाहते हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को गवाही दे चुके हैं। आप कहते हैं नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं यार मैं अपनी जगह से गिर नहीं सकता, मैंने बहुत लोगों को टेस्टिमनी दी है, परमेश्वर का नाम खराब होगा। और जो लोगों ने गवाही नहीं दी होती, गुप्त में आजाद होते हैं, वो गुप्त में नशा पकड़ लेते हैं क्योंकि सिर्फ उनको पता नशा छोड़ा है, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ वाइफ को पता है। और जब आदमी परमेश्वर की जिम्मेवारी लेकर टेस्टिमनी देनी स्टार्ट करता है, गवाही देनी शुरू करता है, उसके बाद उस गवाही के प्रेशर से ही वो बचा रहता है और आगे बढ़ता है। ये टेस्टिमनी की पावर, ये टेस्टिमनी की क्या है, ये पावर है टेस्टिमनी की। वो अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जयवंत हुए। शैतान आपको तंग करता है क्योंकि आप गवाह नहीं, शैतान आप पे अटैक करते हैं क्योंकि आप गवाह नहीं। आप गवाही के वचन को नहीं बोलते हैं, आप अपनी गवाही को नहीं देते हैं, इसीलिए वो आप पे अटैक कर रहे हैं। क्योंकि शैतान अपनी अपने अपने दायरे को बढ़ा रहा है, वो पाप के दायरे बढ़ा रहा है, इसीलिए मुसीबतें भी ज्यादा हैं। और इसीलिए परमेश्वर अपने वेपन्स, पहले इतना प्रचार कभी नहीं हुआ, पहले इतनी हीलिंग्स कभी नहीं हुई, पहले इतने काम कभी खुल के नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। अगर शैतान सामने है तो परमेश्वर भी सामने अपने पावर के साथ, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए। जयवंत होना है कि नहीं होना? चाहते हो बच्चों को परमेश्वर जीते? चाहते हो फाइनेंस पे कब्जा हो? चाहते हो कि मैं शरीर पर फतह पाऊं, बीमारियों में फतह पाऊं? उसने कहा वो मेमने का लहू जो तुमने अभी खाया अभी पिए और अपनी गवाही का वचन अगर तुम में होगा, तुम जयवंत होगे, तुम शैतान पर कुचल दोगे, उसको पैरों की एड़ी के नीचे मसल दोगे तुम। अपने पड़ोसी को बोलो जीतना है तो गवाही देनी होगी, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि वो गवाही के वचन और मेमने के लहू के कारण शैतान के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर, कलेश के ऊपर जयवंत हुए। आप जयवंत होने वाले, अब वापिस आने वाले, सिर ऊंचा करके वापिस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपके चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हमें मालूम है हम किस परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, हमें मालूम है कौन सी ताकत हमारे साथ, हमें मालूम है अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं, हम होली स्पिरिट की स्ट्रेंथ पे, हम अपने गिफ्ट्स पे भरोसा नहीं, उस पे भरोसा रखते हैं। हमें मालूम है हमारी बैक कौन है। मोहल्ले में जाओ ना, एक छोटा सा लड़का भी, ओए तेनू पता नहीं मेरे मामा कौन, उसको अपने पे भरोसा नहीं है, उसको मालूम है तेरे दो थप्पड़ पड़ेंगे तू ढेरी हो जाएगा, पर अपने मामा के कारण वो बड़े से लौंठे से लड़के को भी कह रहा हो तेनू पता नहीं मेरा मामा कौन। उसी तरह से तुम्हें पता नहीं मेरा परमेश्वर कौन है, तुम्हें मालूम नहीं वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तुम्हें मालूम नहीं,
वो झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। वो अपनी गवाही के वचन, इसीलिए मैं शायद मेरी लाइफ इसीलिए पापों से फ्री रही है, इन फेक चीजों से फ्री रही है, क्योंकि मैं शुरू से इनके खिलाफ टेस्टिमनी देता आया हूं और मैं खुद की गवाही शुरू से देता आया हूं। अगर मैं खुद गवाही देता आया हूं तो यही चीजें मुझे सिक्योर भी करती। अगर मैं नशे की गवाही देता आया हूं तो उसके बाद मैंने कभी नशा नहीं किया, पवित्रता ही में रहा, क्योंकि जितनी टेस्टमनी मैं दूंगा उतना ही वो मुझे प्रेरित करेगी कि उस टेस्टमनी को मैं संभाल के रखूं और इसी तरह से मैं फतह पाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने एक गवाही को संभाल के रखा, चाहे वो नशे की हो, वो बीमारी की हो, और मैंने उसे संभाल के रखा, उसे गवाया नहीं, तो बाइबल कहती है वो दूसरी टेस्टमनी देगा आपको, क्योंकि आपने एक को संभाल के रखा वो दूसरी जरूर देगा आपको। वो दूसरी क्यों नहीं आई? क्योंकि पहली की इज्जत नहीं की, पहली को दिया नहीं, पहली को संभाल के नहीं रखा। मान लो परमेश्वर ने नशों से आजाद किया, अब नशे फिर शुरू कर दिए और दूसरी बार परमेश्वर को बोल रहे प्रभु जी आए मेरी पेट नु चंगा कर दे। प्रभु कह रहे जो पहली गवाही दी थी वो कहां है? उसका हिसाब कहां है? वो किसको दी? कैसे संभाल के रखी? जब पहली नहीं संभाल के रखी, तेरे बाप ने पहला मोटरसाइकिल दिया, एक्सीडेंट कर दिया, अब कौन मूर्ख होगा जो फिर से मोटरसाइकिल लेके देगा? तुझे मरवाना तो ही थोड़ी चाहता है। दो चीजें अगर आपकी लाइफ में हो, पहली गवाही देना, दूसरा मन्नत मांगना, तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। आज लोगों को मालूम नहीं मन्नत मांगने की कितनी पावर है बाइबल में। एक वाओ यानी वी ओ डब्ल्यू, एक मन्नत कितनी काम कर सकती, कितनी वो पावरफुल है आपको मालूम नहीं। आपको आपको मैं बता सकता हूं 1% भी आपको मालूम नहीं वाओ कितनी पावरफुल है, मन्नत मांगना कितना पावरफुल है आपको मालूम नहीं। अगर हमें कुछ नहीं मिला उसका कसूर परमेश्वर नहीं, हमने काम नहीं किया। एक देश में दो भाई अपने बाप की आधी आधी प्रॉपर्टी और जमीन लेते हैं और कारोबार लेते हैं, एक आज नंबर वन है और दूसरा आज बहुत नीचे हो गया। कारण कंपनीज नहीं, कारण मैनेजमेंट है, कारण उसको मैनेज करना है, कारण इंसान है, कारण कारण परिस्थितियां नहीं। उस दूसरे पार्ट को हम एक एक करके उन वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। फिर से पढ़ेंगे इसको। परम प्रधान के लिए अपनी क्या कर, क्या पूरा कर, क्या पूरा कर? पर मन्नत तो मांगी नहीं, मांगी तो पूरी नहीं। आगे पढ़ेंगे। हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊं। कौन कह रहा है मालूम? दाऊद कह रहे। अब मालूम हुआ दाऊद इतना पावरफुल क्यों था? वो कभी क्यों नहीं हारा, कभी अपने विरोधियों के नीचे नहीं लगा? मन्नत, उसको मालूम था मन्नत कैसे मांगनी। मैंने प्रभु से एक वायदा किया था कि परमेश्वर अगर तुम मेरी लाइफ में ये काम करेगा तो मैं 10 बच्चे गोद लूंगा, और वो काम हो चुका है। और बच्चे अभी आ जाएंगे क्योंकि घर बन रहे हैं, और मेरे ख्याल से जहां मेरा घर है वहां वो रहेंगे। अब मैं चर्च में आ जाऊंगा। आपको नहीं मालूम हमारी इनसाइड चीजें बहुत सी। आमीन। मन्नत का भार मुझ पर बने कि अगर प्रभु तू ये काम करेगा मैं इतनी, हम इतनी ऑफरिंग डालेंगे। हम इसलिए बोलते, लोग बोलते हैं कि शायद हमें प्रेरित करने के लिए कुछ कह रहे हैं, हमारे जेब से निकालने के लिए कुछ कह रहे हैं। आपका पैसा मेरी जेब में नहीं आता। जैसे आप आज यहां बोने आए हो, मैं भी यहीं बोने आया हूं, और मैं अपनी सेवकाइयों में भी बोता हूं। आगे बढ़ेंगे। ये है नीति वचन, यानी उसका बेटा सुलेमान। मुझे मेल